चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं, जो चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। देखो, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है कि डेटा हैंडलिंग। हम लोग सबसे पहले ये जाने कि मैथमेटिक्स में, मैथ्स में डेटा किसे कहते हैं, डेटा का मतलब क्या, तो उसके बाद फिर इस चैप्टर के बारे में समझे ना। तो देखो, डेटा मतलब ये कहते हैं कि कोई भी तरह की कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, अ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जो भी कहीं से भी आप लोग कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना, तो वो आपके लिए आपका डेटा कहलाता है। जैसे जस्ट सपोज कि आप लोग जो स्कूल में पढ़ते हो, तो आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि उन स्टूडेंट के लिए चलो कि भाई 100 मार्क की एक एग्जाम ली गई, और उस एग्जाम में सबके कितने कितने मार्क्स आए हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो आप लोग जो है वो सबसे पूछोगे ना, यहाँ टीचर जो है वो सबसे पूछेंगे कि सबके कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो सबके मार्क्स जो आप कलेक्ट करोगे, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो आपके लिए डेटा कहलाया। या आपकी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करो, कितने जो है वो मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, आपकी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो ये वो एक तरह का डेटा कहलाता है। तो सिंपल मीनिंग में डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है ना, डेटा हैंडलिंग, इसका मतलब क्या कि जनरली जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ना, वो हमेशा के क्या कह सकते हैं, अनऑर्गेनाइज मैनर में होती है, ठीक तरह से नहीं होती, रफ इंफॉर्मेशन होती है। उसे सही बनाकर उनमें से कोई ना कोई रिजल्ट बनाना, उसे ही डेटा हैंडलिंग कहते हैं। जैसे कि आपके क्लास में सबकी 100 मार्क की एग्जाम ली गई, उस 100 मार्क की एग्जाम में सबके कितने कितने मार्क्स आए हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपने सबसे कलेक्ट की, तो ये कहलाया रफ डेटा, बरबर। फिर उसमें से जो है वो ये क्या कह सकते हैं, अलग करना कि किसका फर्स्ट नंबर आया, किसका सेकंड नंबर आया, किसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं या किसके लोएस्ट मार्क्स आए हैं, कितने लोग फेल हो गए, तो ये सब किससे, इस इन्फॉर्मेशन से ही पता चलता है ना। सबसे पहले आप लोग जो है वो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसके बाद ही ये चीजें पता चलेगी ना, है कि नहीं। तो डेटा हैंडलिंग इसे ही कहते हैं कि पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और फिर उसे सही तरह से तैयार करना। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डेटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म इज कॉल्ड अ रॉ डेटा। कि हमारे पास जो भी डेटा होता है ना, जनरली जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, वो जनरली अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है। अनऑर्गेनाइज मतलब कि भाई रफ डेटा होते हैं, रफ इंफॉर्मेशन होती है, अच्छी तरह से जो है वो अरेंज की गई नहीं, बरबर ना, अरेंज नहीं की गई होती है, रफ इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हम लोग रॉ डेटा कहते हैं। जैसे देखो कि यहीं पर ही है कि आपके क्लास में किसी की जो है वो एग्जाम ली गई, और उस एग्जाम में जो है वो सबके कितने मार्क्स आए हैं, वो मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बरबर। यह इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसी के 41 मार्क्स आए, किसी के 53, किसी के 64, ऐसे मार्क्स आए हैं। तो ये सब जो दी गई है वो रफ इन्फॉर्मेशन है ना। इसमें से आपको जो पता करना हो कि हाईएस्ट मार्क्स किसके, लोएस्ट मार्क्स किसके, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, तो इन सबको जो है वो अरेंज तो करना पड़ेगा ना सही तरह से, ठीक है ना। उसी अरेंजमेंट को डेटा हैंडलिंग कहते हैं, बरबर ना। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो उसको अरेंज करना, तो वही एक तरह से डेटा हैंडलिंग कहलाता है। तो देखो, अब आगे समझना, इसी एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। कहते हैं आगे कि इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ मीनिंगफुल इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी डेटा, कि कोई भी डेटा में से एक मीनिंगफुल इंटरफेरेंस, एक मीनिंगफुल जो है वो उसकी क्या कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन तैयार करना, वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमेटिकली। तो हमें पहले उसे डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ता है, और वो सिस्टमेटिकली जो अरेंज करते हैं ना, तो उस मेथड को कहते हैं टैली मार्क्स मेथड। कौन सी मेथड, टैली मार्क्स मेथड, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, बरबर। यहाँ तो एकदम शॉर्ट में मैंने जस्ट यहाँ पे फोटो रख दी है, बाकी हम लोग जो है वो इस टैली मार्क्स को अच्छी तरह से समझेंगे फिर आगे। के ये टैली मार्क्स मेथड जो है वो हमें सीखनी है। कि जैसे देखो, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी ना, मैं फिर से जो है वो पीछे पेज पे जा रहा हूँ, कि यहाँ जैसे इन्फॉर्मेशन थी कि सबके स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको अगर अरेंज करना हो ना, तो ऐसे अरेंज करते हैं
कि इनमें से सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, तो सबसे कम मार्क्स ये हैं 28 मार्क्स, जो सबसे कम है। और भाई सबसे ज्यादा किसके हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ 88 मार्क्स हैं ये। तो इनको फिर यहाँ टेबल में लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। भाई पहले 28 मार्क्स किसी के आए, किसी के 31, किसी के 32, किसी के 33 ऐसे। और उसके साथ यहाँ पे टैली मार्क्स करते हैं। टैली मार्क्स मतलब कि ऐसे मार्क्स किए जाते हैं कि भाई 28 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो एक ही स्टूडेंट है ना, तो टैली मार्क में सिर्फ ऐसे एक सीधी लाइन, एक लाइन कर दी जाती है कि हाँ भाई ये एक स्टूडेंट है। समझो 31 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो भाई उस इंफॉर्मेशन में 31 मार्क्स वाले दो स्टूडेंट है, तो उसमें ना दो लाइन कर दी जाती है कि हाँ भाई ये दो स्टूडेंट है कि नहीं। फिर भाई 32 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो एक ही स्टूडेंट है, तो फिर से उस 32 के सामने, यहाँ 32 के सामने एक ही लाइन कर दी जाती है। फिर ऐसा अगर कोई कहे कि भाई 56 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो चलो 56 मार्क्स वाले चार स्टूडेंट हैं, तो चार स्टूडेंट हैं तो उसमें ऐसे चार लाइन कर देते हैं, बराबर ना। इसे टैली मार्क्स कहते हैं कि भाई इस तरह से जो है वो ये मार्किंग करते जाना और उस पर से आखिरी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बराबर। और वो कलेक्ट करने के बाद अब ये मार्किंग में भी एक चीज पहले समझ लो कि भाई इनमें जब ऐसे मार्क्स करते हैं ना टैली मार्क्स, तो भाई अगर एक हो तो ऐसे एक लाइन करते हैं, दो हो तो फिर ये दो लाइन, अगर किसी में तीन आते हो तो फिर वो तीन लाइन, बराबर ना। ये 3 मार्क्स होते हैं यहाँ पे, समझो ध्यान से कि भाई जैसे ये एक लाइन या दो, फिर 3 टैली मार्क्स, फिर जो है वो 4 टैली मार्क्स। लेकिन अगर पांचवा आता हो तो उसकी लाइन साइड में नहीं करते, पांचवा टैली मार्क्स फिर उसके ऊपर लाइन कर देते हैं, बराबर ना, उसके ऊपर। तो ये कहलाता है 5 का एक बंच। फिर अगर नंबर 6 वाली लाइन करनी हो तो नंबर 6 वाली लाइन उसके पास में 6, फिर जो है वो 7 अगर करना हो तो 7 उसके पास में, ऐसे ही लाइन्स बनाते जाएंगे ना, ठीक है ना। सम्स आएगा ना तो उसमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा फिर। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना वो रॉ डेटा कहलाता है, मतलब कि रफ इंफॉर्मेशन होती है, अरेंज की हुई नहीं, अच्छी तरह से अरेंज की गई नहीं, पहले उसे अरेंज करना पड़ता है। और वो जो अरेंज करना पड़ता है वो ये टैली मार्क्स मेथड कहलाती है कि भाई पहले उसे अरेंज करना। इस टैली मार्क्स मेथड में आखिरी में लिखी जाती है ये फ्रिक्वेंसी, आखिरी में ये क्या लिखा जाता है, तो फ्रिक्वेंसी लिखी जाती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये कहलाता है कि जो आपने टैली मार्क्स किया ना, तो उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसमें कितने स्टूडेंट्स या कितने नंबर आते हैं, तो वो नंबर्स फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे वही कि भाई 28 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 28 मार्क्स वाले 1 स्टूडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी में 1 लिखते हैं, ठीक है ना, ये टैली मार्क्स को ही काउंट करके। फिर 31 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 31 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी में 2 लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन के नंबर्स बताती है। और ये जब अरेंज हो जाए ना, पहले आपको दी गई थी वो रफ इंफॉर्मेशन थी, समझना है ध्यान से, फिर से ये बता रहा हूँ कि ये जो आपको दी गई थी पहले ये रफ इंफॉर्मेशन थी कि भाई जैसे जैसे नंबर लिखे हुए थे उन नंबर्स को फिर अच्छी तरह से अरेंज किया वो इस टेबल में, कि यहाँ टेबल के थ्रू हमने जो है वो उसे अच्छी तरह से अरेंज किया कि उससे पता चल गया कितने मार्क्स वाले कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब पता चल गया ना यहाँ पे कि भाई 33 मार्क्स वाले कितने हैं, 56 मार्क्स वाले कितने हैं, 74 मार्क्स वाले कितने हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन मिल गई ना। और ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, फिर इसे और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए हम इस पर से बनाते हैं ग्राफ। ये इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उस पर से फिर क्या तैयार किया जाता है, ग्राफ तैयार किया जाता है। जनरली जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो वो बार ग्राफ बनाते हैं, याद है ये बार ग्राफ आपको पहले आता था नॉर्मल। अब यहाँ पे तो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा बार ग्राफ आप लोग तैयार करते हो कि नहीं, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो जस्ट ऐसे ही एक रफ बार ग्राफ है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कि जहाँ पे ये दो लाइंस जो बनाई जाती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहलाती है, कहलाती है ना। ये नीचे जो लाइन बनाई जाती है जिसके ऊपर ये जनवरी फरवरी मार्च ऐसा लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस कहलाती है ना। और यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या कहलाते हैं, तो वाई एक्सिस कहलाते हैं, बरोबर। तो ये एक्स और वाई एक्सिस वो यहाँ पे दिए हुए होते हैं ना, है कि नहीं। और इनके थ्रू
इनके थ्रू फिर यहाँ पर ऐसे ये बार्स बनाते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हो ना तो उनके हिसाब से ये एक एक बार बनाया जाता है, ये लाइंस बनाई जाती है कि नहीं। ये बार ग्राफ पहले आपको आता था ना, ठीक है ना, ऐसा ही बार ग्राफ हमें इस बार भी बनाना है। तो जनरली फिर से वो देखें कि जैसे पहले आपको रफ इंफॉर्मेशन होती है, उस रफ इंफॉर्मेशन से टैली मार्क्स करके पहले उस इंफॉर्मेशन को अरेंज किया जाता है, और वो इंफॉर्मेशन अरेंज हो जाए ना तो उसके बाद फिर ऐसा बनाया जाता है, ये बार ग्राफ तैयार किए जाते हैं, ठीक है। एक बार अरेंज हो जाए उसके बाद ऐसा ये बार ग्राफ तैयार करते हैं, या तो बार ग्राफ तैयार करते हैं या तो फिर दूसरा एक ग्राफ का नया टाइप आता है जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राम। यह आपको इस बार शायद नया आता है कि ये हिस्टोग्राम हमें तैयार करना है। ये कौन सा ग्राम कहलाता है? हिस्टोग्राफ। बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ में फर्क ये है कि बार ग्राफ में ना, जैसे जनरली हम लोग जैसे बार ग्राफ बनाते हैं, यहाँ रफ में बता रहा हूँ कि बार ग्राफ बनाते वक्त हम लोग हर एक बार मतलब हर एक ये रेक्टेंगल बनाते वक्त बीच में गैप छोड़ते हैं। बीच में गैप होता है कि नहीं? हर एक के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, इक्वल गैप होता है। जबकि ये ग्राफ तैयार किया जाता है उसे कहते हैं हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राफ। इस हिस्टोग्राफ में बीच में कोई भी गैप होता नहीं है, सभी बार की लाइंस, ये जो सभी बार्स होते हैं मतलब सभी जो ये बॉक्स होते हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक के पास एक ही सब जो है वो कनेक्टेड आते हैं, समझे। तो ये हिस्टोग्राम कहलाता है। हिस्टोग्राम तब बनता है जब आपको जनरली क्लास इंटरवल्स दिए गए हो। क्या दिए गए हो? क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स का मतलब क्या? कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको क्लास में या तो ग्रुप में दी गई हो, कि जैसे आपको ये कह दिया जाए कि कोई भी जगह पर जो है वो जनरली आपके जैसे स्कूल में जो है वो टेस्ट हो रही है, 50 मार्क की अगर टेस्ट हो रही है, तो उस 50 मार्क्स में आपको अगर ऐसे ग्रुप बना के पूछ दिया जाए कि भाई 0 to 10 ग्रुप में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच में है, तो ये एक तरह का ग्रुप कहलाया ना। या कहें कि भाई कितने स्टूडेंट के मार्क्स 10 to 20 के बीच में है, तो ये एक ग्रुप हुआ ना कि 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं। या तो फिर कि अगर ऐसे कहें 20 to 30 के बीच में, या फिर 30 to 40 के बीच में, 40 to 50 के बीच में, तो ऐसे ये ग्रुप दिए गए हो ना, तो जब वो ग्रुप की इंफॉर्मेशन अगर ग्राफ में बनानी हो तो उसके लिए जनरली ये हिस्टोग्राम यूज होता है। बरोबर, आपके जब सम्स आएंगे तब ये थियोरी और अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। तो अब ये इतनी बातें फिलहाल समझ में आई ना कि हम लोग डेटा हैंडलिंग किसे कहते हैं, जो चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग, तो उसका मतलब क्या कहते हैं हम लोग, कि जो भी डेटा मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ना, उस इंफॉर्मेशन को पहले अच्छी तरह से अरेंज करना, और अरेंज करने के बाद उस पर से ऐसे ग्राफ वगैरह तैयार करना कि जिससे उसका परफेक्ट रिजल्ट बन सके, तो इस मेथड को डेटा हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इतनी इन्फॉर्मेशन ली, तो इसी इन्फॉर्मेशन के सहारे अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 जो है वो शुरुआत करें, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5.1 के, जिसमें अभी तक हमने जो टॉपिक्स देखे उसी टॉपिक्स के हिसाब से अब देखेंगे। कि जैसे कि 5.1 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है कि फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो अ डेटा, गिव रीजन फॉर ईच। यहाँ पर आपको है ना अलग अलग सिचुएशंस दी गई होगी, अलग अलग सेंटेंस दिए गए होंगे, और उसके हिसाब से जो है वो आपको ये बताना है कि उस सिचुएशन में हिस्टोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा, और उसका रीजन भी बताना है। बनेगा तो भी रीजन बताओ और ना बने तो भी रीजन बताओ। मैंने आपको बताया कि हिस्टोग्राम कब तैयार होता है? हिस्टोग्राम तभी तैयार होता है कि जिस इंफॉर्मेशन को जनरली आप लोग क्लास में या तो ग्रुप में लिख सको, ठीक है, कि आप लोग क्या कर सको, उस इंफॉर्मेशन को ग्रुप में लिख सको, तो उस पर से हिस्टोग्राम तैयार होता है। जैसे मैंने मार्क्स का एग्जाम्पल दिया था ना कि 0 to 10 मार्क्स में कितने, 10 to 20 मार्क्स में कितने स्टूडेंट, 20 to 30 मार्क्स में कितने स्टूडेंट, तो ये अलग अलग ग्रुप तैयार होता है ना। तो जिस इंफॉर्मेशन को अगर आप लोग ग्रुप में लिख सको तो वो हिस्टोग्राम बनेगा, नहीं तो दूसरे में से नहीं। तो देखो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखें, जैसे कि क्वेश्चन 1 में ही पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
कि उसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग, कि जब वो पोस्टमैन जो है वो अलग अलग एरियाज में लेटर देने जाता है ना, अलग अलग एरियाज में लेटर देने जाता है, तो क्या उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग हिस्टोग्राम में बता सकते हैं? मतलब आपके जैसे सिटी के अलग अलग एरियाज होंगे ना, ध्यान से समझना, कि अलग अलग एरिया जैसे हुए कि समझो कोई एरिया ए हुआ, जो भी नाम आप लोग दे दो ना, जो भी आप जहाँ पे भी रहते हो उस एरिया का नाम, कि चलो एरिया ए हुआ, उसमें पोस्टमैन ने जो है वो 10 लेटर दिए, जस्ट एग्जाम्पल ना, कि भाई सपोज एरिया बी हुआ, उसमें पोस्टमैन ने जो है वो 15 लेटर दिए, फिर एरिया कोई सी है, कोई तीसरा एरिया है, उसमें पोस्टमैन ने 12 लेटर दिए, ठीक है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, तो क्या इस इंफॉर्मेशन को हम लोग हिस्टोग्राम में बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते पता है? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को है ना हम लोग ग्रुप में जनरली नहीं लिख सकते, ग्रुप में लिख सकते नहीं है, कि भाई आप लोग ऐसे लिख सकते हो उसमें कि भाई ए से बी एरिया में कितने हुए, ग्रुप ए टू बी एरिया, या तो फिर ग्रुप बी टू सी एरिया में कितने हुए, एरिया को ग्रुप में लिख सकते हो क्या आप लोग? नहीं लिख सकते ना इसमें, बराबर ना, कि ए से बी एरिया के बीच में कितने हैं, या बी से सी एरिया के बीच में कितने हैं, ऐसे थोड़ी, सब एरिया अलग अलग है, उसे ग्रुप में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन हिस्टोग्राम में नहीं बता सकते हम लोग। या देखो सेंटेंस वाइज भी लिख सकते हैं ऐसे कि वी शैल नॉट यूज अ हिस्टोग्राफ टू शो दिस डेटा एज वी विल नॉट डिफाइन एनी क्लास इंटरवल इन दिस केस, कि इस केस में कोई भी क्लास इंटरवल बनते नहीं है, ऐसे क्लास बनेंगे ए टू बी, बी टू सी, ऐसे क्लासेस में बन ही नहीं सकते। एंड रेदर वी शैल हैव बार्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एरियाज, कि हाँ हम लोग अलग अलग एरिया के अलग अलग बार्स बना सकते हैं, कि जैसे नॉर्मल वो बार ग्राफ बनता है ना, वैसा ग्राफ इसमें बना सकते हैं, कि भाई यहाँ पे एरिया ए बना, कि एरिया ए के लिए एक ग्राफ, ठीक है, फिर एरिया बी हुआ तो एरिया बी के लिए एक ग्राफ, तो ऐसे अलग अलग बार्स बना सकते हैं, एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं कर सकते, ऐसा क्लास हम लोग बना सकते नहीं है। एंड द हाइट ऑफ द बार्स विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स फॉर दैट डेटा, कि इसमें ये जो अलग अलग बार्स बनाएंगे ना इसमें ग्राफ में, तो उस बार की जो हाइट होगी वो नंबर बताएगी, मतलब ए की लाइन अगर यहाँ तक बनाई तो उससे पता चलेगा कि भाई ए एरिया में 10 लेटर जो है वो पोस्टमैन ने दिए हैं, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग में ये समझो कि इस इंफॉर्मेशन में कोई भी ऐसे क्लास इंटरवल्स नहीं बनेंगे, बराबर ना, ग्रुप नहीं बनेंगे, क्लास नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब इसमें हिस्टोग्राफ बनेगा नहीं, ओके। फिर ऐसे ही सेकेंड में दिया हुआ है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट, कि कोई भी जो एथलेटिक मीट होती है, मतलब जिसमें नहीं सब अलग अलग रनर्स आते हैं, जो कंपटीशन खेलने के लिए जो भी एथलेटिक आते हैं, जो रनिंग करते हैं वो, तो उनकी हाइट की इंफॉर्मेशन, तो हाँ हाइट की इंफॉर्मेशन को हम लोग हिस्टोग्राम में बता सकते हैं, क्योंकि हाइट की इंफॉर्मेशन को जो है वो हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कि जैसे जिसकी हाइट हो तो उसको ऐसे बता सकते हो कि भाई समझो 160 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर के बीच में कितने सब कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, है ना, इतनी हाइट के बीच में कितने कॉम्पिटिटर्स होंगे, कितने एथलेटिक्स होंगे, वो ऐसा बता सकते हैं ना, या तो भाई 170 हाइट से लेकर 180 हाइट के बीच में कितने कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो भी ऐसा बता सकते हैं कि नहीं, कि 170 से 180 हाइट के बीच में कितने होंगे, तो मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन को हम लोग ग्रुप में बता सकते हैं, और अगर ग्रुप में बता सकते हैं ना तो मतलब इसका हिस्टोग्राम बनेगा, जिसको ऐसे क्लास इंटरवल में या तो ऐसे ग्रुप में बता सकते हो ना, तो उसका हिस्टोग्राम हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो नहीं, तो इसमें बना सकते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे कि दिस डेटा कैन बी डिस्क्राइब इन अ फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, कि इस इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम में बता सकते हैं एज वी विल हैव ग्रुप इंटरवल्स गिविंग हाइट रेंजेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी डेटा गिविंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ईच ग्रुप इंटरवल्स। मतलब इसमें जो है वो अगर हम लोग हिस्टोग्राफ बनाए ना, तो इसमें सब अलग अलग ग्रुप इंटरवल्स हैं, ग्रुप इंटरवल्स मतलब ऐसे ना, ये तो जस्ट मैंने नंबर लिखे कि चलो इतनी हाइट 160 टू 170, 170 टू 180,
ऐसा ग्रुप तो कोई भी बना सकता है ना, ठीक है ना। ये यहाँ पे हाइट है तो हाइट का इसके अलावा और कोई भी नंबर लेकर ग्रुप बना सकते हैं ना। तो उस वो ग्रुप इंटरवल गिविंग द हाइट रेंजेस के उस ग्रुप इंटरवल से ऐसे अलग अलग हम लोग जो है वो रेंज बना सकते हैं। सब बार्स वो एक दूसरे के पास पास में तैयार कर सकते हैं ना, है कि नहीं, कि सबके पास पास में जो है वो ऐसे ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ध्यान देना मेरा ये एकदम रफ ग्राफ बन रहा है, आप लोग ऐसा नहीं, हम लोग आगे ग्राफ बनाएंगे वो वैसा नहीं बनाएंगे, परफेक्ट ग्राफ बनेगा, परफेक्ट लाइंस बनेगी ना एक दूसरे के पास में। और जो उनकी हाइट होगी ना, फ्रीक्वेंसी डेटा गिविंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ईच ग्रुप इंटरवल, कि इनमें जो फ्रीक्वेंसी डेटा जो आगे नंबर्स होंगे तो वो हर एक में कितने कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, ठीक है। ये सब न भी लिखो तो नॉर्मली हम लोग ये कह सकते हैं ना कि हाँ इस इंफॉर्मेशन को हम लोग ग्रुप में लिख सकते हैं, मतलब इसमें हिस्टोग्राम बनेगा, बराबर। फिर उसके बाद नंबर 3, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, कि जो 5 कंपनीज ने अलग अलग कैसेट बनाई है तो उसकी इंफॉर्मेशन, क्या उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग ग्रुप में बता सकते हैं या हिस्टोग्राम बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, क्योंकि देखो कि नंबर ऑफ कैसेट है कि भाई कितनी कैसेट बनाई 5 कंपनीज ने। कि जैसे पहली कंपनी है, जस्ट इंफॉर्मेशन है कि जैसे पहली कंपनी है वो पहली कंपनी का नाम जो है वो कंपनी ए है, कि समझो कंपनी ए ने जो है वो 100 कैसेट बनाई, कितनी कैसेट बनाई है तो 100 कैसेट बनाई है, बरोबर। इसके अलावा दूसरा अगर हम लोग देखें तो चलो कि भाई दूसरी कंपनी कि अब जो है वो कंपनी बी है, कि ए के अलावा अब कंपनी बी है अगर, तो कंपनी बी ने जो है वो कितनी कैसेट बनाई, तो चलो कंपनी बी ने वो जो है वो 120 कैसेट्स बनाई, कितनी कैसेट्स बनाई, तो उसने जो है वो 120 कैसेट्स बनाई। जस्ट सुनना हाँ, यहाँ पे अगर ये न आते हो इन्फॉर्मेशन तो ध्यान देना कि उन्होंने 120 कैसेट्स बनाई। फिर कंपनी सी है कि उन्होंने जो है वो 130 कैसेट्स बनाई, बरबर। कंपनी डी ने जो है वो 140 कैसेट्स बनाई, तो ऐसे। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या इस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्लास में बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते इस इंफॉर्मेशन को क्लास में। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इन कंपनीज को आप क्लास में बता सकते हो, कंपनी ए टू बी या कंपनी बी टू सी, ऐसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसका मतलब इसमें हिस्टोग्राम बनेगा नहीं, इसमें भी बार ग्राफ बन सकता है, हर एक कंपनी के लिए अलग अलग बार ग्राफ बन सकता है ना, बरोबर के नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे कि दिस डेटा विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ हिस्टोग्राम एज वी शैल नॉट डिफाइन एनी क्लास इंटरवल्स, कि इसमें कोई भी तरह के क्लास इंटरवल्स बनेंगे नहीं। इन दिस केस वी हैव अ बार रिप्रेजेंटिंग ईच कंपनी, कि हर एक कंपनी का अलग अलग बार बना सकते हो, मतलब कि बार ग्राफ आप तैयार कर सकते हो। एंड द हाइट ऑफ द बार शैल गिव द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय दैट कंपनी, और हर एक का जो वो बार बनेगा ना, हर एक की जो वो लाइन बनेगी उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसमें वो कंपनी के कैसेट्स के नंबर बताएंगे। मतलब जैसे अगर नॉर्मली आप लोग ये बार ग्राफ बनाते हो तो उसमें हर एक कंपनी की जो ये बार बनेगा, जो ये लाइन बनाएगी, तो उससे नंबर पता चलेगा कि ये एक कंपनी में कितनी कैसेट्स तैयार हुई हैं, ठीक है ना। तो इससे बार ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राफ नहीं। फिर उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन है कि नंबर 4 में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM ईच एट द स्टेशन, कि कोई भी स्टेशन में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे में हर एक ट्रेन में कितने कितने पैसेंजर बैठ रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन बतानी है कि हर एक में कितने कितने पैसेंजर बैठेंगे सुबह 7 से रात को 7 में। तो क्या इसका हिस्टोग्राम हम लोग बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं ना, क्योंकि इसमें टाइमिंग दिया हुआ ना, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक। तो इस टाइमिंग को हम लोग किस में बता सकते हैं? ग्रुप में बता सकते हैं। भाई नॉर्मल ग्रुप आप तैयार कर सकते हो कि जैसे सुबह 7 से 8 बजे तक, फिर 8 से 9 बजे तक, फिर 9 से 10, फिर 10 से 11, तो ऐसे हर एक टाइम में कितने कितने पैसेंजर आ रहे हैं वो बता सकते हैं ना, कि सुबह 7 से 8 में भाई 100 पैसेंजर आए, फिर सुबह जो है वो 8 से 9 बजे में फिर दूसरे 150 पैसेंजर आए,
फिर सुबह 9 से 10 बजे के बीच में 200 पैसेंजर आए, तो ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें ग्रुप में बता सकते हैं ना। तो इसके लिए कहेंगे हम लोग कि दिस डेटा विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राफ वेर ईच क्लास इंटरवल शैल गिव अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल शैल गिव द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन ड्यूरिंग दैट टाइम स्लॉट। कि इसमें इसको हिस्टोग्राम में बना सकते हैं, क्योंकि जो इसके क्लास इंटरवल्स होंगे ना, हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल चाहिए, ग्रुप चाहिए, तो उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बना सकते हैं। मैंने बताया ना, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मतलब ऐसे बता सकते हो कि भाई सुबह जो है वो 7 बजे से 8 बजे तक, फिर 8 से 9 बजे तक, फिर 9 से 10 बजे तक, ऐसा टाइम इंटरवल बना सकते हैं ना। एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल शेल गिव द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन ड्यूरिंग दैट टाइम। और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, उस फ्रिक्वेंसी से पता चलेगा कि उस टाइमिंग में कितने कितने लोग, कितने कितने पैसेंजर ट्रेन में बैठे थे। तो भाई सुबह 7 से 8 बजे में कितने बैठे हैं, फिर सुबह 8 से 9 बजे में कितने कितने बैठे हैं, वो उसमें बताते हैं ना, बराबर ना। एज सच देयर विल बी नो गैप बिटवीन क्लास इंटरवल्स, कि इन क्लास इंटरवल में कोई भी तरह का गैप होगा भी नहीं, कंटिन्यू क्लास बनेंगे ना, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। तो ऐसा अगर कंटिन्यू ग्राफ बन रहा है, कंटिन्यू गैप क्लास इंटरवल तैयार हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनमें से ये हिस्टोग्राम तैयार कर सकते हैं, बरोबर। समझ आई ना बात। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया था कि किसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बरोबर ना। ऐसे ही देखो, इसमें सेकेंड इन्फॉर्मेशन दी गई, मतलब सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन टू में हमें सम करना है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है, द शॉपर हु केम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, एक स्टोर में जो है वो जितने भी लोग आ रहे हैं ना, उन सबको ऐसे मार्किंग दे दी गई। कोई मैन आया तो एम लिखेंगे, कोई वुमेन आया तो डब्ल्यू, कोई बॉय तो बी, और कोई गर्ल तो जी, ऐसे नाम लिखेंगे। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग अ टैली मार्क्स एंड ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि जब शॉप खुली ना, वो डिपार्टमेंटल स्टोर खुला, तो पहले 1 घंटे में उसमें कितने कितने लोग आए, वो सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। मतलब अगर कोई वुमेन आई ना तो डब्ल्यू लिख दिया, फिर दूसरी वुमेन आई तो डब्ल्यू लिखा, फिर दूसरी वुमेन आई तो डब्ल्यू लिखा, फिर कोई गर्ल आ गई तो जी लिखा, बॉय आ गया तो बी लिखा, ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। तो पहले आवर में कितने लोग आए, तो ये सब लोग आए थे, तो इस पर से हमें टैली मार्क्स बनाना है। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना आपको, ये डब्ल्यू 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 जी बी डब्ल्यू एम ऐसे सब लिखा हुआ है, तो ये सब क्या कहलाता है पता है? ये कहलाती है रफ इन्फॉर्मेशन, या तो रॉ डेटा हम लोग कहते हैं, जैसे रॉ डेटा रफ इन्फॉर्मेशन कहलाती है। इस पर से परफेक्ट तरीके से हमें क्या तैयार करना है, तो हमें तैयार करना है इसके टैली मार्क्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, बराबर ना। सही तरह से हमें इसकी टैली मार्किंग करनी है, कि जिसमें टैली मार्क्स करने से हमें पता चलेगा कि टोटल कितने मैन, कितने वुमेन, कितने बॉयज, कितने गर्ल्स, कितने कितने आए हैं, वो पता चलेगा ना। और उसके बाद फिर उस पर से बार ग्राफ तैयार करेंगे। तो अब इसमें से लिखना कैसे है वो ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लोग उसका टैली मार्क्स तैयार करेंगे ऐसा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मेरा तो ये डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है ना, लेकिन आप लोग समझना कैसे ये आंसर लिखना है, ध्यान से समझना। कि एक टेबल तैयार करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि जिसमें पहले लिखा हमने कैटेगरी, बराबर, कैटेगरी जिस कैटेगरी में जो है वो ये मेन, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे लिखेंगे ना एक टेबल में। बीच में टैली मार्क्स का गैप छोड़ेंगे और आखिरी में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बीच में ये आएगा टैली मार्क्स और आखिरी में आएगा ये फ्रीक्वेंसी। देखो, अब क्या करना है ध्यान देना, मैं क्वेश्चन में भी बताऊंगा और इसमें भी बताता जाऊंगा, तो ध्यान से समझना। कि अब जैसे आपके ये जैसे टेबल दिया हुआ है ना, इसमें ये जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप लोगों को वहां टैली मार्क्स करने। जैसे देखो, मैं जो है वो इसमें 3-3 या 4-4 या 5-5 7 में ले रहा हूँ। कि जैसे मैं ये पहली लाइन देखूंगा
इस पहली लाइन में वुमेन 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 मैन एंड वुमेन ऐसे आए हैं ना, मतलब इस पहली लाइन में जो है वो चार वुमेन है और एक मैन है, ऐसा है, समझ आ रही है बात? ये पहली लाइन मैंने जैसे अगर ड्रॉ कर दी, ऐसे जस्ट समझा रहा हूँ, आप लोग कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि जैसे इसमें ये जो है वो चार वुमेन और एक मैन आ रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे टैली मार्क्स करूंगा ये आंसर में, मैंने किया तो हुआ ही, आपको जस्ट बता रहा हूँ कि भाई वुमेन में, तो वुमेन में चार में ड्रॉ करूंगा, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ नहीं है टैली मार्क्स में, मेरे यहाँ किए हुए हैं इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि चार वुमेन और एक मैन था ना, तो एक मैन में ऊपर ऐसा ड्रॉ करूंगा, तो ये चार वुमेन और एक मैन ऐसे ड्रॉ होगा ना उसमें, बरोबर। उसके बाद फिर से मैं क्वेश्चन देखूंगा कि अब क्वेश्चन में दूसरी लाइन देखो, तो दूसरी लाइन में वुमेन 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 और गर्ल, मतलब दूसरी लाइन में भी चार वुमेन है और एक गर्ल है, तो फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगा कि अब चार वुमेन, तो चार वुमेन कैसे, ये चार तो है ही ना, तो उसके ऊपर नंबर 5 वाला अगर ड्रॉ कर रहा हो ना, तो उसके ऊपर एक लाइन कर देते हैं, बरोबर। तो ये 5 हो गई, और फिर दूसरा 6, 7, 8, चार वुमेन ड्रॉ करनी थी ना, तो एक इसके ऊपर और बाकी 3 फिर अलग से, ठीक है। कोई भी टैली मार्क्स हमेशा कैसे करते हैं, तो भाई जैसे पहले अगर चार हो जाती हो, ये 1, 2, 3, 4, तो 5 वाला उसके ऊपर, फिर जो है वो 6, 7, 8 यहाँ से शुरू करते हैं, 6, 7, 8, 9, फिर 10 वाला उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर 11, 12, 13, 14, ऐसे करेंगे ना कंटिन्यू, ठीक है ना, आ रही है ना बात ध्यान? तो देखो इसमें हमने चार वुमेन और एक गर्ल बना, तो एक गर्ल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर जो है वो फिर से क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में अब जो है वो तीसरी लाइन, तो तीसरी लाइन में ऐसा है कि ये वुमेन वुमेन मैन वुमेन वुमेन, इसमें भी देखो चार वुमेन है और एक मैन है, तो उसको क्या करेंगे, उसको फिर से यहाँ पे करेंगे ना कि अब चार वुमेन, मतलब ये तीन लाइन तो बनाई थी ना, इसके बाद चार लाइन बनानी है, तो ये 1 फिर 2 यहाँ पे, फिर ये 3 फिर 4, ऐसे ना, तो ऐसे एक 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 करके टैली मार्क्स करते जाएंगे ना हम लोग, बरोबर ना। वो चार वुमेन और एक मैन, तो एक मैन में फिर से जो है वो लाइन कर दी हमने, ठीक है, उस 1 के बाद एक 2 कर दिया, ऐसे करते हुए कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी दिए हुए ना, ये सभी नंबर एक एक लाइन करके, ये सभी लाइंस जो है वो वहां ड्रॉ करते जाएंगे। भाई गर्ल्स में एक आ रहा है, तो वहाँ गर्ल्स में वो आगे जो है वो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक वुमेन में आ रहा है तो एक वुमेन में जाके लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक मैन में आ रहा है तो एक मैन में जाके लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ना, ऐसे टैली मार्क्स करते जाएंगे ना। भाई बॉयज में आ रहा है तो बॉयज में जाके लाइन ड्रॉ करेंगे, समझ रहे हो? ऐसे ये जितने भी नंबर्स है ना, तो ये सभी नंबर्स के जो है वो लाइन हमें ड्रॉ करनी है वहां पर, और इन सबके यहाँ पर टैली मार्क्स हो जाएंगे ना, तो उन टैली मार्क्स को काउंट करके फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, बरोबर। सब टैली मार्क्स हो जाए तो उसको काउंट करके यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि जैसे पहले में जो है वो ये 5, ये देखो ये लाइन बनी हुई है, मतलब ये 5 का बंच है, ये 5 का ग्रुप है, तो उसको काउंट डायरेक्ट 5 करेंगे ना, कि ये 5, 5 और 5, तो कितने 15, मतलब उसमें स्टोर में मैन कितने आ गए, तो 15 मैन आ गए उसमें, बरोबर। फिर वुमेन में अगर देखो ना, तो देखो ये 5, 5, 5, 5, 5, ये 5 बार आ गया, मतलब 25, और 25 के बाद ये 3 लाइन बनी हुई है, मतलब 28, के वुमेन कितनी आई, तो 28 वुमेन्स आई वहां पर, बरोबर। उन सबसे टैली मार्क्स करेंगे ना। फिर बॉय में, तो बॉय में ये एक ही ग्रुप, मतलब सिर्फ 5 बॉयज आए। गर्ल्स में, तो गर्ल्स में ये 5, 5, तो 5 और 5, 10, और पीछे 2 लाइन बनी हुई है, मतलब 12, के गर्ल्स 12 आ गई। तो ऐसे ये कंप्लीट टैली मार्क्स हुआ ना, कि यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन पर से हमने उसको अरेंज किया, अच्छी तरह से अरेंज किया, आप समझ में आ रहा है ना टैली मार्क्स कैसे करना है। यहाँ पे जो भी नाम दिए हुए ना, हर एक नाम का एक एक वहां पर टैली मार्क करना है, एक एक लाइन बनाते जानी है, कि जिससे कंप्लीट ये टैली मार्क्स तैयार होंगे, ठीक है। और ये जो टैली मार्क्स तैयार हो जाए ना, यहाँ जो आपके ये टैली मार्क्स का ये टेबल तैयार हो गया, तो अब ये टैली मार्क्स की जरूरत नहीं है, अब इसको भले मत देखो, कि अब ये कैटेगरी और ये फ्रीक्वेंसी देखकर फिर इस पर से बार ग्राफ तैयार करना है। फिर इस पर से क्या तैयार करना है हमें, बार ग्राफ।
तो देखो बार ग्राफ अब इस पर से ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ ही है कि यहाँ आपके ग्राफ में ये नीचे की साइड बनाएंगे हम लोग एक्स एक्सिस, कि जहाँ एक्स एक्सिस में यहाँ मैन वुमेन बॉयज गर्ल्स ऐसे लिखेंगे ना, MWBG ये लिखा जाएगा, और यहाँ पे लिखे जाएंगे नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ शॉपर्स लिखा जाएगा, ओके। और ये हो जाए तो उसके बाद फिर जो है वो ड्रॉ करते जाएंगे कि देखो यहाँ पर पहले नंबर लिख देंगे अंदाजे से 10, 20, 30, 40। आप लोग ग्राफ में भले इसमें 5 5 का गैप भी ले सकते हो, कितना भी गैप ले सकते हैं ना अपने अंदाजे से, भले 5 5 का गैप कि 5, 10, 15, 20, 30, 40 ऐसे गैप लेंगे ना, बरोबर। तो इसमें अब जो है वो फिर ग्राफ तैयार करेंगे कि जैसे यहाँ पर आपका जो फ्रीक्वेंसी टेबल बना, मैं फिर से वहां जा रहा हूँ कि जो आपका ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना कि मैन में 15 है, वुमेन में 28 है, बॉयज में 5 है और गर्ल्स में 12 है, तो उसे ड्रॉ करेंगे ना यहाँ ग्राफ में कि अगर अगर मैन में 15 है तो ये मैन का बॉक्स ऊपर 15 तक बनाएंगे, 10 और 20 के बीच में 15 तक बनेगा ना। वुमेन में अगर 28 है तो उसका ग्राफ आगे 28 तक, ये 30 से 2 पॉइंट नीचे होगा 28 तक। बॉयज में 5 है तो उसे 5 पे बनाएंगे, यहाँ 10 का हाफ 5 तक, बरबर। और गर्ल्स में 12 है तो ये 10 से 2 पॉइंट ऊपर 12 तक बनाएंगे। तो ऐसा ये बार ग्राफ तैयार हो जाएगा ना, समझ में आ रही है बात है। और ऊपर ऊपर ये स्केल लिख देंगे, ये स्केल लिखेंगे एक स्केल ऑन वाई एक्सिस, यहाँ 1 सेंटीमीटर में आपने कितना गैप लिया, तो यहाँ 10 10 का गैप लिया है ना, 10, 20, 30, 40, 50। अगर 5 5 का गैप लेते तो यहाँ लिखते 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, बरोबर ना। 10 10 का गैप लिया है तो यहाँ पे 10 10 यूनिट लिखेंगे, ओके। आ रही है बात समझ में, कैसे ये बार ग्राफ तैयार करना है, बरोबर ना। तो आज जैसे ये टैली मार्क्स और ये बार ग्राफ बनाना सीखा ना, ऐसे ही दूसरे भी ग्राफ, हिस्टोग्राम, दूसरे आगे के सम्स, वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।